कहां पर हूं अभी, अभी मेरा प्रगति कितना हुआ है, कहां पर हूं मैं आध्यात्मिक मार्ग में, है ना, क्या मेरी प्रगति हो रही है, मैंने दीक्षा लिया या मैं माला कर रहा हूं 2 साल से 3 साल से, मेरी प्रगति हो रही है, ये प्रश्न पूछने का और सोचने का समय है। मेरी शक्तियां क्या है, मेरे पास कौन सी ताकत है, कौन सा अच्छा कार्य मैं कर सकता हूं, कौन से अच्छे गुण मेरे पास है, मेरी कमजोरी कहां है, क्या क्या मेरी कमजोरी है, मैं क्या क्या करना मेरे लिए आवश्यक है जिससे मैं और अच्छा प्रगति कर सकूं, और उसको मैं कैसे करूंगा। प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है अपने आप को, ये आंतरिक स्थिति के बारे में, क्या मेरी पहचान सही है, मेरी इच्छाएं सही हैं, मेरा रवैया सही है, एटीट्यूड, मेरी धारणाएं सही है, बिलीव्स, मेरे निर्णय सही हैं, मेरी समझ सही है। ये करने के लिए बहुत अच्छा समय मिला है सभी को। लोग कह रहे हैं हम बोर हो रहे, वो बोर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से आंतरिक जो क्रिया है उसको करने के लिए अभ्यास नहीं है। हम लोग बाह्य जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम सोचते भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए जो आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं उनको इस प्रकार से सोचना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा समय है, ज्यादा से ज्यादा आप जप कर सकते हैं, इतने सारे इंटरनेट पे प्रवचन हो रहे हैं, वो सत्संग का लाभ ले सकते, सुन सकते हैं, आप बैठ के सोच सकते हैं इन प्रश्नों के बारे में कि कितने साल से मेरा कितना प्रगति हुआ। और पहले प्रवचन में भी मैंने बताया था कि अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, कल सोचो कि अगर ऐसे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी को हो नहीं और जिसको हुआ है वो भी ठीक हो जाए, लेकिन अगर कल किसी को कोरोना हो जाता है तो क्या आप तैयार हैं जाने के लिए, आपकी अवस्था तैयार है, क्यों, मृत्यु तो एक दिन आने ही वाला है, कभी भी आएगा। तो हमें सोचना चाहिए कि हम कितना प्रगति, अब इस जीवन में हमको जितना व्यवस्था मिला है उससे हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा ले। तो ये समय जो मिला है, ये आंतरिक स्थिति को सुधारने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय मिला है। ये जेल नहीं है, ये कृपा है, कृपा है। इस कृपा का सदुपयोग करेंगे तो हम जो वास्तव में जेल में है, ये भौतिक संसार में हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, उस जेल से छूट जाएंगे। और अगर हम ऐसे ही बोर हो रहे हैं, ऐसे समय चला जाएगा तो क्या है, ठीक है तुम टाइम पास कर लोगे, इधर कुछ ये करके वो करके, और आपको ऐसे लगेगा कि 15 अप्रैल को जेल से छूट गए, लेकिन आंतरिक स्थिति के बारे में आपने सोचा नहीं है, तो बड़े जेल से आप कैसे छूटोगे। और इस जेल में से तो हम कितने जन्मों से इस जेल में है, ये भौतिक जगत में। तो ये जो समय मिला है सभी लोगों को,
ये वास्तव में भगवान की कृपा है सोचने के लिए कि मैं कौन हूं, कहां पर हूं, कहां जाना है, कितना प्रगति करना है। 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर मिलना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर का जो इस कलयुग में विशेष करके ये आधुनिक समाज में जो जीवन शैली है वो पशु जैसी बना दी है। खाना पीना सोना और इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना ताकि खा पी के सो सके अच्छी तरह से। आत्मा का कल्याण करने के लिए जो पद्धति है वो कोई सिखाता ही नहीं। और आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया में 1% जो सबसे धनवान लोग हैं, वो हर रोज 1 घंटा अपनी आंतरिक स्थिति सुधारने के लिए लगाते हैं। देखिए, सबसे बड़े बड़े धनवान लोग हैं, वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट 1% लोग, वो हर रोज 1 घंटा चिंतन मनन करते हैं अपनी आंतरिक स्थिति सुधारने के लिए और अपने धंधे को बढ़ाने के लिए। ऐसे व्यस्त होने के बाद भी वो ऐसा समय निकालते हैं, और हमें ऐसा समय मिलता है तो हम सोचते हैं कि ये समय बेकार है, बोरिंग है, जेल है। जेल नहीं है। भगवान ने मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ दिमाग दिया है। मनुष्य को इतना जबरदस्त दिमाग दिया है, लेकिन ज्यादातर लोग 10% से कम ही दिमाग को यूज कर पाते। 90% धूल खा रहा है, काट खा रहा है, यूज ही नहीं करते अपने दिमाग को। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, मुझे दुख नहीं चाहिए, फिर भी दुख क्यों आता है। जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिले तो उन्होंने क्या पूछा कि ये 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के कष्ट मुझे क्यों आ रहे हैं, मैं कौन हूं। ऐसा हमें सोचना चाहिए, इस प्रकार से हमें सत्संग करना चाहिए। इसलिए ये समय जो है बहुत ही एक रूप से अंदर की स्थिति सुधारने के लिए सबसे बेस्ट समय है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिवोटीज है जो 3-3, 4-4 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, भागवत को पढ़ रहे। बहुत सारे डिवोटीज 64 माला कर रहे। बहुत सारे डिवोटी लेक्चर सुन रहे हैं जो हर रोज नहीं सुन पाते, 3-3, 4-4 घंटा लेक्चर सुन रहे। तो बोर होने का मतलब नहीं है। सोचिए कि बड़ा जो जेल है उससे निकलना है। ये संसार में छोटे जेल में जाना आना वो कोई बड़ी बात नहीं है। नौकरी में आप जाते हैं, लोग फैक्ट्री में जाते हैं, वो भी तो 8 घंटे का जेल ही है, है कि नहीं। तो ये समय जो है इसका आप लोग सदुपयोग कीजिए। सोचिए कि मेरी आंतरिक स्थिति कितना हम समझे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये भगवद गीता की पहली शिक्षा है, ABCD। दिन में कितना समय हम ये याद कर पाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। कितना समय याद आता है, हर घंटे में 60 मिनट होती है और 24 ऐसे घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में कितना मिनट हम ये शरीर नहीं है, हम एक चेतन तत्व के अनुआत्मा भगवान कृष्ण के नित्य दास है ये याद रख सकते हैं। ये कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ये सोचना चाहिए। कैसे हम अपने विचारों को उन्नत बना सकते हैं,
कैसे हमारी इच्छा को और उन्नत बना सकते हैं, कैसी हमारी भावनाओं को, धारणाओं को, रवैया को, निर्णय को, समझ को ऊपर उठा सकते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही लाभ होगा। और प्रकृति का नियम है तो इसलिए ये आपत्ति आती रहती है, कभी भूकंप होने वाला है, कभी सुनामी हो जाता है, कभी इधर एक्सीडेंट हो गया, कभी इधर कोई खून हो गया, कोई आत्महत्या कर दिया, ये सब चलने वाला है भौतिक जगत में। हमें सावधान रहना चाहिए। कभी वर्ल्ड वॉर हो सकता है। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है कि अगली वर्ल्ड वॉर में 60% लोग मारे जाएंगे, 60% पॉपुलेशन दुनिया का वाइप आउट हो जाएगा, समझिए। कोई भी एक बटन दबा देगा, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ेगा, दूसरे उसके ऊपर छोड़ेंगे, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता है। तो जो इस मार्ग में है, जिनको कृपा मिला है भगवान का भक्ति करने का, उनको हर क्षण सोचना चाहिए कि ये जो एक घंटा मुझे मिला है उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। अव्यर्थ कालत्वम, उन्नत भक्त का एक लक्षण है कि वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता है, हर सेकंड में उसका प्रगति होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हर एकादशी से दूसरी एकादशी सोचो कि आपका प्रगति हुआ कि नहीं हुआ। और जब भी आप बहुत प्रगतिशील वाले हो जाओ तो हर दिन सोचो कि कल से मेरा आज प्रगति हुआ कि नहीं। तो ये अच्छा समय है चिंतन मनन करने का। और ये जागृत रहने का कि कभी भी हमें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी बेहतरीन स्थिति होगी, अगले जीवन हमें अगर अगला जीवन मिलता भी है इस भौतिक जगत में तो और बढ़िया स्थिति होगी, जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा समय मिले। जैसे भगवद गीता के 6th अध्याय में भगवान समझाते हैं कि 3 प्रकार के व्यक्ति योगी जो सफल नहीं होते, उनके अगले जन्म में स्थिति क्या होती है। एक होता है उसको धनवान परिवार में जन्म मिल जाता है, जहां पर उसको काम करने का, धंधा करने का परेड नहीं करना पड़ता है, उसको बहुत समय मिलता है अपना भजन, चिंतन, मनन, सत्संग करने के लिए। दूसरा होता है उसको ब्राह्मण के घर में जन्म मिलता है, पहले से ही बचपन से ट्रेनिंग मिलता है सब सात्विक जीवन, मंत्र उच्चारण, ये सब। तीसरा होता है उसको महान आत्मा वैष्णव के वहां जन्म मिलता है, बचपन से ही वो भक्ति में लग जाता है, उसी जीवन में सफल हो जाता है। तो ऐसा जन्म किसको मिलता है जो इस जीवन में वैसा प्राप्त करने के लिए लायक हो जाता है। पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि जो व्यक्ति अपने इंद्रिय और मन को वश में करता है उसका अगला जीवन ऊपर हो जाता है, और जो अपने इंद्रिय और मन को वश में नहीं करके उल्टा पुल्टा काम करता है उसको नीचे जाना पड़ता है, नरक में भी जाना पड़े। तो इसलिए ये समय का सदुपयोग करना चाहिए हमारी आंतरिक स्थिति को सुधारने के लिए, कि हम कैसे बहुत अच्छी तरह
इस समय का उपयोग कर सके हमारे आंतरिक स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि बाद में ये 15 तारीख को सब हड़बड़ बहुत होने वाला है, सब दौड़ा दौड़ी चालू हो जाएगा, फिर आपको समय नहीं मिलेगा ज्यादा जप करने का, ज्यादा पढ़ने का, ज्यादा सोचने का। तो बहुत अच्छा समय है, इसका सदुपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे वंच कल्पतरुभ्यश्च।